ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं। इस बीच पुलिस शरिया कानून लागू करने के लिए लोगों को धमका रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अब चेतावनी दे रही है कि कार में भी महिलाओं को हिजाब पहनना जरूरी होगा, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फार्स न्यूज एजेंसी ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा कि देश में नाजेर वन कार्यक्रम का नया चरण शुरू हुआ है। यह निगरानी करने से जुड़ा है। यह पूरे देश में चलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्यक्रम 2020 में शुरू हुआ था। इसके तहत उन महिलाओं को सिर ढकने के लिए मजबूर किया जाता है जो कार में जाती हैं। जब ये लॉन्च किया गया था तो कार मालिकों को उनके वाहन में ड्रेस कोड के उल्लंघन के बारे में सचेत करते हुए SMS भी भेजे गए थे। यानी साफ है, ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन आने वाले दिनों में भी जारी रह सकते हैं। इंडिया फर्स्ट, पब्लिक फर्स्ट न्यूज। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।